नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हमारे पास हैं WWE की कई बड़ी अपडेट्स और र्यूमर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या WWE ब्रोन स्ट्रोमन के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन इन करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। साथ ही बात करेंगे CM Punk और डेनियल ब्रायन को लेकर कि उनके AEW में जाने को लेकर क्या बड़ी खबरें सामने आई हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ी खबर है वह है वन एंड ओनली द रॉक की WWE में वापसी को लेकर। जी हां, द रॉक की WWE में वापसी और वह भी रोमन रेंस के खिलाफ मुकाबले के लिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रोन स्ट्रोमन के लेकर। तो WWE ने 2 जून के दिन ब्रोन स्ट्रोमन को कंपनी से रिलीज कर दिया और अब ब्रोन स्ट्रोमन कॉन्ट्रैक्ट रूल के अनुसार 90 दिन के अंदर किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर शॉकिंग फैक्ट ये है कि ब्रोन स्ट्रोमन कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो रहे थे, फिर भी WWE ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। ब्रोन स्ट्रोमन के परफॉर्मेंस से फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे और उन्होंने WWE की व्यूवरशिप मेंटेन करने के लिए बड़ा रोल प्ले किया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कंपनी से निकाल देना थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, देखा जाए तो ब्रोन स्ट्रोमन को अगर WWE दोबारा ना भी ले तो भी उनके लिए कई सारे दरवाजे खुले हैं और वह AEW में भी जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि WWE ब्रोन स्ट्रोमन को दोबारा कंपनी में लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कंपनी 31 अगस्त से पहले पहले ब्रोन स्ट्रोमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं और उम्मीद है कि WWE ब्रोन स्ट्रोमन को कभी खोना नहीं चाहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं CM Punk को लेकर। CM Punk पिछले 7 सालों से रेसलिंग रिंग से दूर हैं और अब जल्द ही रेसलिंग की रिंग में वापसी करने वाले हैं। अब तक बड़ा कंफ्यूजन यह था कि क्या CM Punk WWE में वापसी करेंगे या फिर AEW में अपना डेब्यू करेंगे। लेकिन अब CM Punk और AEW के CEO टोनी खान के बीच डील लगभग डन मानी जा रही है। CM Punk और WWE का रिलेशन पिछले काफ़ी समय से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर माना जा रहा था कि WWE और CM Punk के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब वे WWE में वापसी करेंगे। लेकिन अब CM Punk और AEW की डील लगभग डन मानी जा रही है, तो ऐसे में उम्मीद है कि AEW के अगले पेपर व्यू ऑल आउट के दौरान CM Punk का इन रिंग रिटर्न देखने को मिलेगा। ऑल आउट PPV शिकागो में होगा, जो कि CM Punk का होम टाउन है। और अगर आप बात करें डेनियल ब्रायन की, तो खबरों के मुताबिक वह भी जल्द ही AEW ज्वाइन करने वाले हैं और इस बात के थोड़े बहुत हिंट AEW के CEO टोनी खान ने भी दिए हैं। डेनियल ब्रायन आखिरी बार स्मैकडाउन के दौरान दिखे, जहां पर उन्हें रोमन रेंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा और वहीं से उन्हें कंपनी के द्वारा रिलीज कर दिया गया। इसके बाद डेनियल ब्रायन का कहना था कि वह अब अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनियल ब्रायन फिर से रेसलिंग की रिंग में उतरने वाले हैं और अभी तक डेनियल ब्रायन और AEW के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन अगर डेनियल ब्रायन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमें सितंबर में उनका AEW में डेब्यू देखने को मिल जाएगा। अब CM Punk और डेनियल ब्रायन के AEW में जाने की खबरों के बाद मुझे नहीं लगता कि WWE ब्रोन स्ट्रोमन को भी इस तरह जाने देगी और अब जल्द ही ब्रोन स्ट्रोमन WWE में वापसी करते हुए दिख सकते हैं। इस पर आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं द रॉक को लेकर। वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड एक्टर और फॉर्मर WWE चैंपियन द रॉक को हर कोई फिर से रेसलिंग रिंग में देखना चाहता है और अब जल्द ही ऐसा होता हुआ भी दिखेगा। रोमन रेंस और द रॉक के बीच रेसलमेनिया 38 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला होना लगभग तय माना जा रहा है और पर्सनली मुझे इस मुकाबले का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। हालांकि रेसलमेनिया 38 को होने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन द रॉक नवंबर में होने वाले सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के दौरान WWE में वापसी करेंगे, जिसके बाद स्मैकडाउन में उनकी फ्यूड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ चलने वाली है। लेकिन वह रो और स्मैकडाउन दोनों शोज में आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मनी इन द बैंक के बाद से जॉन सीना रो और स्मैकडाउन दोनों के शोज में आ रहे हैं। तो क्या आप इस ड्रीम मुकाबले के लिए तैयार हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आई हो पसंद तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।